एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद फ्रंचुइता। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी से मैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एक इवनिंग स्नैक्स जो आप इवनिंग टाइम पे बनाओ खाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। और रोज रोज इवनिंग स्नैक्स के बारे में क्या बताऊँ, कुछ अलग ट्राई करने का मन भी करता है और क्या बनाऊँ, सामान कौन सा घर पर है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ लगभग हर किसी के घर में रहता ही है। तो आज का जो मेरा डिश है वो है फिश कटलेट। फिश कटलेट मैं बनाने जा रही हूँ और मैं एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल और मिनिमम इंग्रेडिएंट को मिलाकर मैं फिश कटलेट बनाती हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मेरा वो पहला रेसिपी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी बना पाओगे घर पर, बहुत ही इजी तरीका है। चलो दिखाती हूँ मेरा रेसिपी। फिश कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पीस फिश लिया है। ये कोई स्पेशल कोई फिश नहीं है, ये नॉर्मल सा रूह फिश है जिसको हम बंगाली में रुई बोलते हैं। रुई कतला है, ये जो रेगुलर वाला फिश है जो हम लोग घर पर खाते हैं रेगुलरली, उसी से आप बना पाओगे और ये टेस्टी भी बनता है। इस फिश को मैंने पहले थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर देकर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने बॉयल कर लिया है। इसके साथ चाहिए मुझे चॉप किया हुआ एक बड़ा साइज का ऑनियन लिया है मैंने, 2-3 ग्रीन चिलीज, चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक, कोरिएंडर लीफ, ब्रेड क्रम्स, एक अंडा, ये है ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टोमेटो केचप, कॉर्न फ्लावर और नमक। बस इतने से इंग्रेडिएंट में ही बन जाएगा। सबसे पहले मुझे इस फिश को स्मैश करना है और स्मैश करने से इसका जो काटा है वो निकल आएगा। इस तरह से आप अच्छे से काटा को निकल लीजिए। इस तरह से मैंने पूरा जो फिश था सबका ही काटा निकाल के थोड़ा सा स्मैश कर लिया है। अभी इसको पकाना है। इसके लिए पहले मैं पैन को, कढ़ाई को रख दिया है और गरम होने के लिए अभी मैं ऑयल ऐड करूंगी, ग्रीन चिलीज पहले ही ऐड कर दूंगी, अनियन थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसके साथ मैं चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से अभी इन सबको फ्राई करना है। अभी इसके साथ मैं ऐड करूंगी नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। अभी अच्छे से मिला लेती हूँ सारे मसाले को। जिंजर गार्लिक और अनियन को मसाले के साथ थोड़ा फ्राई करने के बाद ये जो फिश है ये ऐड कर दूंगी। अभी अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। लगभग 4-5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अभी इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा टोमेटो केचप, गरम मसाला पाउडर, और कोरिएंडर ऐड करूंगी। अच्छी तरह से सारे चीज को एक साथ मिलाने के बाद बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब,
इस ब्रेड को मैंने घर पर ही बनाया है। आप नॉर्मल ब्रेड बाजार से लाइए, थोड़ा सा तवे पे सेक लीजिए और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए, ब्रेड क्रम घर पर ही बन जाएगा। ये रेडी हो गया है, अभी फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको एक प्लेट पर रख कर पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये अभी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, इसी टाइम पर हाथ से थोड़ा सा स्मैश करके अभी इसको शेप देना है। आप जैसे भी चाहे शेप बना सकते हैं, ऐसे दो हाथ पर लेके। दोनों हाथ से इसको धीरे धीरे प्रेस करते हुए ऐसे मैंने कटलेट का शेप दिया है। ये मेरा कटलेट अभी बन गया है। अभी एक कटोरी में अंडे को फेंट लेना है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाकर। अभी एक एक पहले एक बार ड्राई कोटिंग, फिर इस ऑयल इस एग में अच्छी तरह से डिप करने के बाद फिर से एक बार ब्रेड क्रम में कोट करना पड़ेगा। दोनों हाथ से प्रेस करते ऐसे अच्छे से कोट करना है ब्रेड क्रम को। बस एक हो गया। बन के रेडी हो गया है। अभी आप ऐसे बनाकर 2 से 3 दिन एयरटाइट कंटेनर में रखकर डीप फ्रिज में आप 2 से 3 दिन स्टोर कर सकते हैं। और अगर आज ही खाना है तो बस इसको अभी फ्राई करके सैलड के साथ आप इंजॉय कर ले। कटलेट्स बन के रेडी हो गया है, अभी इसको डीप फ्राई करना है, इसलिए ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है गैस पर। ऑयल गर्म भी हो गया है, अभी धीरे से एक एक करके मैं ऑयल में दे दूंगी। फ्लेम को मीडियम रखे, एक तरफ से ये हो गया है। अभी मैं इसको भी पलट देती हूँ धीरे से। फ्लेम को एकदम लो रखे, अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी गैस को ऑफ कर मैं एक एक करके इसको निकाल लेती हूँ ऑयल से। तो था ना ये एकदम इजी रेसिपी, इसे आज आप जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ऐसे ही आसान और इजी उसके साथ टेस्टी रेसिपीज लेकर मैं फिर आऊंगी मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद संचोयिता पर। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूले और साथ में बेल बटन को टिंग करके दबा दे। तो अब के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।